आप जो देख रहे हैं ये है कॉपी जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के इंस्ट्रूमेंट वैक्सेशन की। जम्मू एंड कश्मीर का इंस्ट्रूमेंट वैक्सेशन 26 अक्टूबर 1947 को वहाँ के महाराजा हरि सिंह ने साइन किया और 27 तारीख को यानी 27 अक्टूबर 1947 को भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ऑफ बर्मा ने उसको एक्सेप्ट किया। इसमें देखते हैं कि ये 2 पेज का एक डॉक्यूमेंट है, एक तो ये हुआ और दूसरे पेज में भी कुछ है। तो ये इंस्ट्रूमेंट वैक्सीनेशन का जो डॉक्यूमेंट है उसकी कॉपी है। और इसमें क्या था, जो क्लोज थे नो क्लोज थे टोटल, नो पैराग्राफ हम कह सकते हैं। और इसमें मेन था कि भाई एक सैंपल बना लिया गया और उसमें जो भी स्टेट का इंस्ट्रूमेंट वैक्सीनेशन साइन होना होता था उस स्टेट का नाम लिख दिया। फिर वहाँ क्योंकि रूलर को ये अथॉरिटी दी गई थी इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत कि वहाँ का रूलर डिसाइड करेगा कि स्टेट इंडियन डोमिनियन में जाएगा कि पाकिस्तान डोमिनियन में, तो उसमें उनका नाम होता था रूलर का, जैसे यहाँ श्री इंदर महिंदर राज राजेश्वर हरि सिंह जो भी है उनके पूरे टाइटल के साथ नाम लिखा हुआ है। और उसके बाद नीचे रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, और एक जगह और जम्मू एंड कश्मीर स्टेट यहाँ पे लिखा हुआ हाथ से। उसके बाद इस पेज में हाथ से कुछ नहीं लिखा गया है। फिर दूसरे पेज में जो है हम देखते हैं कि जो डेट है, क्योंकि 15 अगस्त 1947 भारत की आजादी का दिन निश्चित किया गया था, इसलिए ये समझा गया था कि अगस्त के महीने में सब लोग अपना इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर देंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर ही नहीं, बहुत से ऐसे रियासतें थी, राज्य थे, जैसे हैदराबाद का उसके बाद भारत में मिलन हुआ, जैसे उड़ीसा के आसपास कुछ रियासतें थी, उसमें एक जो है पटना नाम की रियासत थी, उसका जम्मू कश्मीर के बाद एक्सेशन हुआ। त्रिपुरा की तरफ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ बहुत सारे ऐसे हिल स्टेट्स थे जिनका इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन 48 में हुआ है। तो इसलिए उस समय समझा गया कि अगस्त में हो जाएगा, इसलिए अगस्त ऐसे देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि दिस डैश डे ऑफ अगस्त 1947, क्योंकि जम्मू कश्मीर का अधिमिलन अक्टूबर में पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान के लोगों ने जो अटैक किया उसके चलते भारत की, भारत से सेना सहायता, सेना की सहायता लेने के लिए फिर प्री कंडीशन के रूप में ये हुआ था। और क्योंकि भारत का एक मानना था कि जब तक इंस्ट्रूमेंट वैक्सीनेशन साइन नहीं हो जाएगा तब तक हम हेल्प नहीं कर सकते, तो उसके बाद साइन होने के बाद लीगली हम बाइंड हो जाएंगे कि भाई हमें उसकी सहायता करनी पड़ेगी। और इसलिए 26 तारीख को उन्होंने भेजा, 27 को यहाँ पे उनके साइन है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उधर लिखा हुआ है www.indianconstitution.in जो अपनी वेबसाइट का नाम है। और यहाँ पर जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का साइन किया हुआ है, आई डू हियरबाय एक्सेप्ट द इंस्ट्रूमेंट वैक्सीनेशन डेटेड दिस 27th डे ऑफ, फिर अगस्त काट करके अक्टूबर 1947। तो ये है इंस्ट्रूमेंट वैक्सीनेशन। सुप्रीम कोर्ट में 370 के केस में पूछा गया था कि क्या जम्मू कश्मीर का इंस्ट्रूमेंट वैक्सीनेशन डॉक्यूमेंट है और जो अन्य रियासतों का इंस्ट्रूमेंट वैक्सीनेशन का डॉक्यूमेंट है वो अलग अलग थे या सेम काइंड के थे। तो वो है कि ये एक ही तरह के थे।